Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you parts of bird in EVS. बच्चों, आज मैं EVS में आपको पढ़ाऊंगी parts of bird. जैसे हम लोग human beings हैं और हम लोग के body parts होते हैं, जैसे eyes, nose, lip, hand, leg. हम लोग का body parts होते हैं ना, उसी तरह bird के भी body parts होते हैं. तो आज जो उनके body parts हैं, उनके कुछ नेम्स हम लोग जानेंगे. तो सबसे फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर ये बॉडी पार्ट, ये क्या है, बर्ड है, मैंने बनाया है और यहाँ मैंने मार्क किया है. इस बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आई बोलते हैं. आई यानी आंख, ई वाई ई आई, ठीक है. अब आई के नीचे आप देखिए, इस बर्ड के इस बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नेक बोलते हैं. और नेक कैसे राइट करते हैं, एन ई सी के, नेक. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक. नेक यानी गर्दन. अब ये देखिए, ये इस बर्ड का ये इसको क्या बोलते हैं, ये तो हिंदी में हम लोग चोंच बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको हम लोग बिग बोलते हैं. बिग की स्पेलिंग क्या होती है, बी ई ए के, बिग. अब नेक्स्ट देखिए बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड का, ये देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं विंग्स. विंग्स यानी पंख. और बर्ड के जो पंख होते हैं, जिसके कारण ये स्काई में उड़ पाते हैं, तो ये बहुत ही मेन बॉडी पार्ट्स होता है बर्ड का, जिसको हम विंग्स कहते हैं. डब्ल्यू आई एन जी एस, विंग्स. अब यहाँ पे देखिए, इस बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी, इस बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखिए, देख रहे ना, इसको हम लोग टेल कहते हैं, पूंछ. यानी टेल का स्पेलिंग कैसा होता है, टी ए आई एल, टेल. अब यहाँ पे देखिए लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस बॉडी पार्ट ऑफ लेग को, सॉरी, बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं. लेग की स्पेलिंग क्या होती है, एल ई जी, लेग. ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ. पार्ट्स ऑफ बर्ड, ई वाई ई आई, एन ई सी के, नेक, बी ई ए के, बिग, डब्ल्यू आई एन जी एस, विंग्स, टी ए आई एल, टेल, एल ई जी, लेग. नेक्स्ट टॉपिक है रॉ फूड. मैं एक बार फिर से आपको रॉ फूड पढ़ा रही हूँ. रॉ फूड मतलब ऐसे फूड जिसको हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, जिसको खाने से हमें बहुत सारे फायदे हैं. इसको हम कच्चा भी खा, इसका सब्जी भी बनाते हैं, लेकिन इसको कच्चे खाने से भी बहुत फायदे हैं. जैसे कि नंबर वन में हम लिख सकते हैं सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट. कैरेट यानी गाजर, इसको तो आप कच्चा भी खाते हैं, सलाद में भी आप यूज करते हो कैरेट को, और इसका मम्मा हलवा भी बनाती है, तो पका के भी खाते हैं. लेकिन ये रॉ फूड में आता है, इसको आप कच्चा भी खा सकते हो, इसको ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट है रेडिश, आर ए डी आई एस एच, रेडिश यानी मूली. इसको भी आप कच्चा खा सकते हैं, ये भी मम्मा आपको सलाद में रेडिश भी देती है, मूली भी देती है, और इसको खाने से भी बहुत सारे फायदे हैं. तो इसको बच्चों आप जरूर खाइए, ये रॉ फूड में आता है. नेक्स्ट है बीट, बी डबल ई टी, बीट यानी चुकंदर. इसको खाने से भी बहुत फायदा, ई है तो अगर आप कच्चा खाओगे तो ये डायरेक्ट बॉडी में ब्लड बनाता है, तो इसको खाने से बहुत फायदे हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे. नेक्स्ट है नंबर फोर में टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो यानी टमाटर. टमाटर भी बहुत लोग कच्चा खाते हैं, इसको भी खाने से बहुत फायदे हैं, है ना. आपके जो इसको आप खाएंगे, कच्चा भी खा सकते हैं, और कच्चा खाने से बहुत फायदा, और मम्मा सब्जी में भी डाल के बनाती है ना. देखोगे आप टमाटर, मम्मा सब्जी में भी डाल के बनाती है. तो टमाटो मगर कच्चा भी खा सकते हैं, उसको भी खाने से बहुत फायदे हैं. नेक्स्ट है एंड लास्ट है सी एच आई डबल एल आई, चिली. चिली यानी मिर्च, हरी मिर्च.
बहुत लोग हरी मिर्च को खाते हैं, इसको खाने से बहुत फायदे हैं, बट आप छोटे बच्चों को तीखा लग सकता है, लेकिन बड़े लोग इसको खाते हैं, ठीक है। तो चिल्ली भी क्या है, रॉ फूड है जिसको आप कच्चा खा सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।